हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मिस्टर इंडियन टेक अनबॉक्सर में। मेरा नाम है सागर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम एक नए वीडियो के साथ है आपके सामने। तो इससे पहले मैंने एक ड्रोन की अनबॉक्सिंग की थी, तो आज हम एक दूसरे ड्रोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं, अगर आपने वो पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा देखने के लिए, तो वहाँ से भी आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं पहले, उसके बाद हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा बॉक्स है, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद देखते हैं। तो देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा बॉक्स दे रखा है, छोटा बॉक्स तो नहीं है। तो यहाँ से ये कट करते हैं। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की गई है, तो सॉरी थोड़ा सा ये मैट खिल जा रहा है फ्रेंड्स उसके लिए। तो इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हमारा निकलता है यहाँ से ड्रोन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये साइमा का ड्रोन है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप ये। और तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बाकी इसमें अब कुछ भी नहीं है, बिल है तो इसको हम हटा देते हैं। तो चलिए, बाकी इस डब्बे में अब कुछ भी नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं, तो इस डब्बे को हम साइड कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप ये ड्रोन को, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सील को कट करते हैं, यहाँ पर कोई सील नहीं है, टेप लगा हुआ है, वो भी निकल गया है टेप। तो हम सीधे ड्रोन को निकालते हैं फ्रेंड्स इसमें से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये, और निकल जा, तो ये हमारा ड्रोन निकल गया फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसका खोलते हैं, टैन टैन, देख सकते हैं ये रहा हमारा ड्रोन। तो और यहाँ पर सबसे पहले निकला हमारा बुकलेट, तो इसको कैसे यूज़ करना है आप इसे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई है, डिटेल्स वगैरह, पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अगर आता है तो फेंक दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। तो और ये एक्स्ट्रा 4 प्रोपेलर्स हमें दे रखा है, तो देख सकते हैं। और इसमें कुछ एक्सेसरीज दे रखी है, तो चलिए पहले हम ड्रोन निकालते हैं। ये रहा मेन हमारा ड्रोन, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसका लुक का वाइट कलर में इसे मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स इसका लुक, तो देख सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर रखते हैं इसको, और इसका रिमोट भी देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स देखने में, क्योंकि यहाँ पर ब्रांडिंग साइमा के की गई है। और यहाँ पावर ऑन ऑफ बटन्स, कुछ बटन्स वगैरह दे रखे हैं। और देखते हैं इसमें क्या है, और इसमें एक ये क्लिप दे रखा है फ़ोन होल्डिंग के लिए। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं, इसको साइड करते हैं यहाँ पर। तो हमें इतनी सारी चीज़ें हमें मिल जाती है इस बॉक्स में। यहाँ पर देखते हैं और इसमें क्या क्या है, तो ड्रोन को हम साइड करते हैं फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या, एक क्लिप हमारा निकला है, और एक ये 4 प्रोपेलर्स, और इसमें देखते हैं क्या क्या हमें निकलता है इसमें से। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसमें हमें, तो ये हमारा कैमरा दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एंटेना इसका निकला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पिन दे रखा है इस ड्रोन में लगाने के लिए, यहाँ पर एक ये पिन है, तो यहाँ पर इसको ड्रोन में लगाने के लिए दे रखा है। और ये कैमरा जो है इसका ये देख सकते हैं 90 डिग्री रोटेट करता है, जो आप ये रेडियो से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें ये माइक्रो एसडी कार्ड के लिए जगह दे रखी है फ्रेंड्स, तो आप इसमें माइक्रो एसडी कार्ड हाई क्वालिटी का लगा लीजिएगा, तो अच्छे से वर्क करेगा क्लास 10 का, तो ऐसे फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होते हैं। तो देख सकते हैं आप इसे, ये हमारा 2 MP कैमरा है फ्रेंड्स। तो चलिए और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है। और ये आई थिंक देखती है चार्जिंग केबल है, आई थिंक ये दे रखा है हमें। और ये हमें प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है, इसके गार्ड्स यहाँ पर लगाने के लिए, ये दे रखा है यहाँ पर लगाने के लिए। तो चलिए इसको भी देखेंगे कैसे लगाना है बाद में, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये भी वही है, और इसमें हमें देखते हैं ये रहा हमें ये स्टैंड दे रखा है ड्रोन में लगाने के लिए, तो यहाँ पर ये स्टैंड इस तरीके से आप इसे लगा लेंगे तो ये स्टैंड हो जाएगा ड्रोन। तो और देखते हैं इसको बाद में आपको दिखाएंगे करके। और ये हमारा बैटरी चार्ज करने के लिए, ये डुअल बैटरी के साथ में आता है फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा एक सिंगल बैटरी, और एक बैटरी इसमें हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर दोनों बैटरीज को एक साथ लगा सकते हैं और एक साथ चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ये चार्जिंग केबल है, आप इसमें कंप्यूटर यूएसबी थ्रू, आप कंप्यूटर या यूएसबी के थ्रू आप कहीं भी इसे चार्ज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो या फिर चार्जर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये हम निकाल देते हैं इसको। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसे, तो चलिए हम इसको ये हटाते हैं, इस पर एक्स्ट्रा प्रोपेलर सभी किसी काम के नहीं, इसको हटाते हैं। ये चार्जिंग केस सभी किसी काम का नहीं, इसको भी हटाते हैं,
तो एक बैटरी रहने देते हैं और एक बैटरी को हम हटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। तैयार हो चुका है और ये रही हमारी बैटरी, डल गई, सॉरी निकल गया, तो बार बार निकल जा रहा है। इसको सच हम स्क्रू अप कर देते हैं कि दोबारा ना निकले। तो ये हम ऑन करते हैं इसको, देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइट्स ब्लिंक कर रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अब हमें इसको कनेक्ट करना है, तो हमें इस तरीके से और दोनों तरफ करना होगा, तो हमारा ड्रोन कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको पकड़ लेता हूँ, एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं ये नॉर्मल मोड हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये उड़ेगा नहीं, ये नॉर्मल मोड इस तरीके से आप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर ये उड़ेगा नहीं फ्रेंड्स। तो कोई बटन दब गया आई थिंक, तो पता नहीं किस चीज़ का बटन दबा है। तो आई थिंक ये हमारा कैमरे का बटन दब गया, ये हमारा यहाँ पर कैमरे का बटन है। तो ये हमारा देख सकते हैं ये जो बटन है, कैमरे एंगल कैसे मूव कर रहा है देख सकते हैं, और ये आप ऐसे दबा कर रखेंगे तो भी ये मुड़ जाएगा। और ये रहा हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और ये फ़ोटो के लिए आप इससे अपना वो खींच सकते हैं फ़ोटो। और ये हमारा वन की रिटर्न बटन है, और ये हमारा हेड, ये देखना पड़ेगा किस चीज़ का बटन है। तो ये हमारा वन की रिटर्न बटन है और देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आप दोनों एक साथ करेंगे तो फ़ैन हमारा चलने लगेगा, नॉर्मल पे उड़ेगा नहीं, उसके बाद आप इसको हिलाएंगे तो उड़ेगा। उससे पहले मैं आपको ड्रोन को पहले, और एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं पहले इसको उड़ाऊँगा, इंडोर में नहीं उड़ाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम बंद कर दिया, तो मैं हाथ में पकड़ के फिर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इंडोर में हम अभी तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा फैन चालू हो गया, तो आप इस बटन जो है तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका स्पीड बढ़ गया फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से आप इसे जैसे जैसे बटन घुमाएंगे वैसे वैसे ये घूमेगा। तो फ्रेंड्स इसका स्पीड इतना तेज है कि जो मैंने साइड में अपना वो रखा था बॉक्स वगैरह, वो नीचे गिर गया फ्रेंड्स। तो क्या करें, अब इसका फैन इतना तेज हवा दे रहा है तो अब इससे हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देख सकते हैं अब हमने खाली जॉयस्टिक हिलाया तो इसका फैन चालू हो गया, क्योंकि ये सेकेंड मोड में आई थिंक चला गया है इसीलिए। अब इसको थोड़ा सा इधर करेंगे तो इसका फैन का स्पीड बंद हो गया, और इस तरह करेंगे तो चालू हो गया। अब दोबारा ऊपर करेंगे तो आई थिंक स्पीड बढ़ गया, तो अब उसको डाउन करते हैं, डाउन हो गया, देखते हैं। तो ये हमें सिर्फ बंद करना मालूम है, अभी अच्छी तरह से नहीं हुआ है, तो हम छोड़ रहे हैं तो ये ऊपर को हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, बटन दबा के देखते हैं एक बार, तो ये साथ में लाइट ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर कैमरे में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कैमरे में भी लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो यही था, तो अभी हम आपको यहाँ पर जो लाइट दे रखा है रिंग लाइट, बहुत मस्त लग रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर देखने पर, ये लाइट जो है बहुत मस्त लग रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मिस्टर इंडियन टेक अनबॉक्सर में, मेरा नाम है सागर। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम पूरे सेटअप के साथ आपके लिए रेडी है। तो आज हम अब ड्रोन को आए हैं किस दूसरे जगह पे, खेत में आए हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी खाली एरिया है जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं, ये पूरा खाली एरिया है। तो यहाँ पर हम वीडियो शूट करने वाले हैं, थोड़ी हवाएं भी चल रही है तो थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है। तो देख सकते हैं हमने पूरा अपना ड्रोन वगैरह पूरा रेडी करके सेटअप करके रखा हुआ ऑलरेडी, पूरा मैंने सेटअप कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देख सकते हैं ये पूरा मैंने रेडी कर लिया है, इसमें मेमोरी कार्ड डाल दिया है, तो और इसमें बैटरी नहीं डाला है, बैटरी भी डाल देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये तो ये हमारा 37.4 वोल्ट, ये हमारा 1000 mAh बैटरी है। तो देखते हैं कितनी देर फ्लाई करता है, तो हम इसे लगा देते हैं अब इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लगा दिया है, और यहाँ पर दूसरी बैटरी जो है हमारे पावर बैंक से चार्ज हो रहा है, ताकि ये इसका देख सकते हैं चार्ज नहीं था बैटरी, तो हमने इसको चार्ज में लगा दिया है। तो देख सकते हैं आप इसे, और ये रहा हमारा रिमोट, हमने पूरा ऐप वगैरह पूरा सेटअप कर लिया है, आप भी कर लीजिएगा अगर बाय कर रहे हैं तो देख लीजिए आप। तो देख सकते हैं, तो मैं अभी आप सबको उड़ा कर दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स।
चलिए अब हम इसको फ्लाई करने टेक ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा लाइट ब्लिंक कर रहा है, तो रिमोट को भी ऑन करते हैं। आपने आवाज़ सुनी लिया होगा इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे। तो मैं इसको अब कनेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ 18 सैटेलाइट्स दिखा रहे हैं मेरे मोबाइल में, इसमें 18 सैटेलाइट्स अभी तक कनेक्शन हो चुका है। तो देखते हैं, क्योंकि इसमें हर तरफ रेड जल रहा है इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स कि कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा फैन रेडियोज का टेक ऑफ के लिए। तो चलिए अब हम टेक ऑफ करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि खेत में बना रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ये अभी नीचे ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इसे। यहाँ पर देख काफ़ी स्टेबल लग रहा है फ्रेंड्स ये, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर ये। ये हवा बहने की वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ऊपर ही ऊपर घूम रहा है। तो इसे मैं अपने तरफ बुला रहा हूँ अभी, तो मैं इसे अपने तरफ अभी देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छे से लैंडिंग हो गई है। तो इसको हम ले एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, ये नीचे से उड़ नहीं पा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए हम थोड़ा हाथ में रख कर इसको ट्राई करते हैं। तो देख सकते हैं फिर से एक बार हम इसको ट्राई करने वाले हैं, देख सकते हैं। चल शुरू कर, ये उड़ जा उड़ जा उड़ जा, ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर, फिर से नीचे आ गया, रुक जा। चल तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स उड़ गया ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर, देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। भाई लोग एक चीज़ कहूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है उड़ाने में, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, ट्राई मत करना मत भूलना फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप ये बहुत मज़ा आ रहा है, तो और अलग ही खुशी हो रही है। इससे थोड़ा हम सीख भी लेंगे ड्रोन चलाना उड़ाना, तो क्योंकि मैंने ड्रोन इससे पहले उड़ा कर दिखाया था आपको, तो अच्छे से नहीं उड़ा पा रहा था, लेकिन इस ड्रोन के साथ काफ़ी मैं सीख भी गया हूँ थोड़ा बहुत, कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना है। तो देख सकते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा और उड़ा कर आपको दिखा देता हूँ।
फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर को। अब हम घर को जाने वाले हैं, काफ़ी थक गया हूँ। मुझे ये वीडियो बनाकर बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में ट्रैक्टर भी आ रहा है, थोड़ा सा नॉइज़ हो सकता है, तो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, वहाँ पर हमारा ड्रोन है तो उड़ रहा है अभी भी हवा में। यहाँ पीछे मेरे ट्रैक्टर गया, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर ये हमारा ड्रोन है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हो गया हमारा यहीं पर ख़त्म, वीडियो शूट ख़त्म करते हैं, अब इसको लैंड करते हैं। बैटरी भी काफ़ी अब ड्रेन हो चुकी है इसकी, तो लैंड करते हैं। लैंड कर, तो ये रहा हमारा ड्रोन, लैंड हो चुका है। तो चलिए अब हमारा वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो अब चलेंगे घर को, अब उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड्स।